नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाया लोकसभा में तेवर, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश की सबसे पुरानी पार्टी न खुद का भला कर सकती है न देश का। लोकसभा में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा अधीर रंजन जी ये ज्यादा हो रहा है, विपक्ष कर रहा था नारेबाजी और हंगामा, मोदी बोले आप हंगामा कर देश के लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। लोकसभा में नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान कांग्रेस ने किया वॉकआउट, किसान कानूनों के विरोध में विपक्ष की नारेबाजी, कहा काले कानून वापस लो। कृषि कानून मामले में हंगामे के बीच नरेंद्र मोदी ने बताया कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी, कहा कांग्रेस के लोकसभा सदस्य अलग चलते हैं और राज्यसभा के अलग। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि आंदोलनजीवी ही कृषि कानून को लेकर फैला रहे हैं अफवाहें, कानून देश हित में बनाए जाते हैं, कृषि कानून भी देश हित में। मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों में कुछ कमी है तो उन्हें बदल दिया जाएगा, हम किसानों के साथ कर रहे हैं पूरे सम्मान के साथ वार्ता, बोले कानून के बाद न मंडी बंद हुई है और न ही एमएसपी। लोकसभा में मोदी ने कहा कि छोटे किसानों के विकास के बिना आजादी अधूरी, कृषि सुधार कानून लाकर किए गए हैं ईमानदार प्रयास। हंगामे के बीच मोदी ने भोजपुरी कहावत का उल्लेख कर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा न खेलब न खेले देव, खेलिए बिगाड़ब, अर्थात न खेलेंगे न खेले देंगे बल्कि खेल ही बिगाड़ देंगे। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की गुरुवार को शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ठाकुरवाड़ी मैदान में सभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साधा नरेंद्र मोदी पर निशाना, 56 इंच के सीने में धड़कता है छोटा दिल, किसानों के साथ वादा खिलाफी का लगाया आरोप। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो खत्म कर देंगे तीनों कृषि कानून, इन कानूनों का मकसद किसानों को खत्म करना है, राक्षस जैसे है तीनों कानून। यमन विद्रोहियों ने आभा हवाई अड्डे को बनाया निशाना, नागरिक विमान पर किया हमला, सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 127 नए मामले आए सामने, 2 और मरीजों की कोरोना से हुई मौत, संक्रमण से मृतकों की संख्या बढ़कर 10,884 हुई। भारत सरकार के आदेश के बाद ट्विटर ने लगाई कुछ अकाउंट्स पर रोक, किसानों के प्रदर्शन को लेकर भ्रामक और भड़काऊ विषय वस्तु के प्रसार का मामला, 500 से ज्यादा अकाउंट्स पर लगाई रोक। टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती, अगले 3 टेस्ट मैचों में 1 हार कर देगी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर, अगला टेस्ट भी चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में होगा। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय और विराट के ट्वीट की जांच को लेकर उद्धव सरकार पर भड़की भाजपा, कहा महाराष्ट्र में अब देशभक्ति हो गई है गुनाह। भारत की मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू ऑस्कर की दौड़ से बाहर, शॉर्ट फिल्म बिट्टू ने बनाई 1 कैटेगरी में टॉप 10 में जगह। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिसले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, 2 पायदान फिसल कर 5वें स्थान पर पहुंचे, गेंदबाज बुमराह और अश्विन की रैंकिंग सुधरी। सलमान खान पर चल रहे काले हिरण के शिकार केस में आया नया ट्विस्ट, सलमान ने झूठा हलफनामा जमा करने के लिए मांगी माफी, सलमान का हथियार का लाइसेंस रिन्यू के लिए गया था लेकिन सलमान ने कहा था कि यह खो गया है। फिल्म गणपत में टाइगर श्रॉफ की हीरोइन होगी कृति सैनन, दोनों ने ही फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में की थी शुरुआत, गणपत की शूटिंग जून से होगी शुरू। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर।